सभी फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर सचमुच एक असुरांश ने तुम्हारी मेमोरी को डिलीट किया है तो उस एक्सपेरिमेंट से तुम्हारी मेमोरी जरूर वापस आ जाएगी। मतलब इससे सब कुछ पता चल जाएगा जो 24 घंटे में सावी के साथ हुआ है। हाँ शायद। सावी, इस धुएं को इनहेल करो। इस पर निशान नहीं है, इस पर निशान नहीं है, इस पर निशान नहीं है। निशान नहीं है, निशान नहीं है, क्या मतलब है निशान नहीं है? कहीं इसीलिए तो नहीं सावी के पीठ पे निशान बना के भेज दिया हो? ये उस निशान की बात नहीं हो रही है। वो किसी खास निशान वाली लड़की को ढूंढ रहा था और सावी पर उसे वो निशान मिला नहीं। तो क्या उस लड़की को भी उसने इसलिए पकड़ा होगा निशान ढूंढने के लिए? हो सकता है, और अगर ऐसा है तो एक नहीं बहुत सारी लड़कियां मिसिंग होंगी। अरे सर जी, हम सच बता रहे हैं, भोलेनाथ का कृपा है कि उसने अपने इस कंचे को लड़का बनाया है। अगर लड़की बनाया होता तो उस असुरांश तो हमको भी किडनैप कर लेता। बेचारा अंश पूरे 6 महीनों से पिया से दूर है। पिया के बगैर तो ये खाना पीना सोना सब भूल गया। जब रोज शाम को ये दिया जलता है तब इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती। अंश तो फिर भी हम सबके साथ है, बेचारी पिया का सोचो, सबसे अलग बिल्कुल अकेली है वो। वहां पर प्रेग्नेंट है, उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा। सच भाभी, अब तो 9 महीने भी पूरे होने को है। ऐसी हालत में अकेला रहना उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा। तुम लोग चिंता मत करो, बहू हमारी बहुत हिम्मत वाली है, हर तरीके के हालात का सामना कर सकती है। मेरे बाबा को बताने का वक्त आ गया है कि हम दोनों ठीक हैं। ने अब तक दिया क्यों नहीं चला? लगता है पिया मुसीबत में। माँ, लगता है पिया मुसीबत में। उसे हमारी मदद की जरूरत है। ओके थैंक्स। क्या कहा उसने? मिसिंग होने से लेकर उसके घर पहुंचने तक उस बीच जो कुछ भी हुआ उसे कुछ याद नहीं। तो पिछले 6 महीनों में ये 8 लड़कियां किडनैप हुई हैं और उन सब के साथ वही हुआ जो सावी के साथ हुआ था। उनकी मेमोरी को डिलीट कर दिया गया। डैड, मुझे लगता है कि जिन 8 लड़कियों को किडनैप किया है उनके बीच कुछ ना कुछ जरूर कॉमन है। I mean, किडनैपिंग की कोई तो वजह होगी। देखो सावी, का कॉमन है नहीं है ये हमको नहीं पता, लेकिन सर इसको इसके लिए किडनैप किया था काहे कि ई उसका जासूसी कर रही थी। अगर ऐसा होता ना तो वो तुम्हें भी किडनैप करता। और सावी को किडनैप करने के बाद उसे जाने नहीं देता। उससे बस मेरी गर्दन पे निशान चेक किया और मेरी मेमोरी डिलीट करके मुझे छोड़ दिया। इसका मतलब वो इतना बड़ा खतरा भी नहीं है जितना हम उसे समझ रहे हैं डैड। नहीं सभी, सवाल ये उठता है कि वो आखिर चाहता क्या है, क्यों उन लड़कियों को किडनैप कर रहा है? और अगर वो किसी खास निशान वाली लड़की को ढूंढ रहा है तो फिर लाखों लड़कियों में से सिर्फ ये 8 लड़कियां क्यों? Exactly my point. इन लड़कियों में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है। इन 8 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। निशांत जी, आप लोगों ने एक बात पर ध्यान नहीं दिया कि इनमें एक बात समान है। अंश, 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 रुक बेटा। अंश, मेरी बात तो सुन। अंश, 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 रुक ना बेटा, कहाँ जा रहा है? बात तो सुन। आप पिया मुसीबत में है। देखा ना आपने, पिछले 6 महीने में एक भी ऐसा दिन नहीं था जब पिया ने दिया नहीं जलाया था, लेकिन आज पिया ने दिया नहीं जलाया। लेकिन अंश, इसकी कोई और वजह भी तो हो सकती है। हो सकता है कि पिया को लेबर पेन शुरू हो गई हो और वो हॉस्पिटल गई हो। लेकिन चैताली, ऐसा कैसे हो सकता है? बहू को तो अभी 9वां महीना शुरू हुआ है, पूरे होने में 3 हफ्ते बाकी हैं। Exactly. खराजी पिया ने दिया नहीं चला, मतलब वहाँ जरूर कोई खतरा है। अंश, तो इस तरह से बहू के पास जाएगा तो बात बिगड़ सकती है। हाँ अंश, 6 महीने से तुम दोनों ने इतनी सारी कुर्बानियाँ दी, ना चाहते हुए भी तुम दोनों एक दूसरे से अलग रहे हो, तो फिर अब। हाँ बेटा, कोई भी ऐसा कदम ना उठा लेना जिससे तुम दोनों की 6 महीने की मेहनत पर पानी फिर जाए। ये भी तो हो सकता है ना कि मैं जल्दबाजी नहीं बल्कि देर कर रहा हूँ। पिया को खतरे से बचाने के चक्कर में कहीं हम उसे खतरे में अकेला ना छोड़ दें। नहीं, मुझे जाना होगा। एक मिनट अंश, मुझे लगता है कि पिया के पास जाने और मोना को पिया तक पहुंचने का मौका देने से पहले एक बार निशान जी से बात कर लो, क्योंकि निशान जी जानते हैं कि पिया कहाँ है, किस हालत में है। अंश, निशान जी से एक बार बात कर लो। आप लोग ये नहीं जानते कि इन 8 लड़कियों में समानता है क्या। मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने इन 8 की जन्म कुंडली बनाई है और मैंने पाया कि इन 8 का जन्म नक्षत्र एक ही है और वो है रोहिणी नक्षत्र। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है ना? सभी काली शक्तियों का कनेक्शन मून से होता है। Am I right? तुमने सही समझा बेटा। थैंक यू पंडित जी, आपकी इस इंफॉर्मेशन से हमें ये जानने में मदद मिलेगी कि आखिर वो असुरांश चाहता क्या है। ना भी आया, इसको जानती हो तुम? नहीं नमन, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानती। पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे? डैड का फोन बज रहा है पर वो उठा क्यों नहीं रहे? नमन। हाँ। मैं आती हूँ। हेलो हेलो पापा, सावी मेरे पापा से बात करवाओ, मुझे बहुत अर्जेंट बात करनी है। जीजू डैड अभी तक तो यहीं पे थे पर अभी दिख नहीं रहे। क्या हुआ? मुझे लग रहा है पिया किसी बहुत बड़ी मुसीबत में। मुझे पापा से पूछना है कि वो है कहाँ। तुम्हें कुछ पता है क्या? तुम्हारी बात हुई है क्या पिया से? नहीं जीजू, डैड ने पिया दी के लोकेशन के बारे में मुझे भी कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहते कि मोहना किसी के भी जरिए पिया दी तक पहुँचे। पापा जैसे ही आए मेरी जल्द से जल्द बात करवाना। जीजू पापा तो दिखाई नहीं दे रहे कहीं, पर जैसे ही वो वापस आते हैं मैं उनको कहती हूँ आपको कॉल करने के लिए। थैंक्स, बाय। क्या हुआ अंश? कहा हुआ कहा सावी ने? अंश बेटा, अंश 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 I hope, जहाँ भी हो ठीक हो।